गाइस फ्री फायर बैन तो हो गया ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी वापस भी आ जाएगा। भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन ये वापस जरूर आएगा। लेकिन आपको ज्यादा दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर जैसा ही पांच ऐसे बैटल रॉयल गेम के बारे में बताने वाला हूँ जो फ्री फायर जैसा ही बिल्कुल चलता है, उसी के जैसा लगता है। उसी तरह का आपको लॉबी देखने को मिलेगा, उसी तरह का आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा ठीक है, उसी तरह का आपको एरोप्लेन वगैरह हर कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा ठीक है। तो आपके पास बहुत ही सारा ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, एक ही गेम में आप उलझे हुए नहीं रह सकते, क्योंकि कभी भी कोई गेम का भरोसा नहीं है ठीक है। इसलिए आपके पास कोई दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि आप फ्री फायर जैसा ही दूसरे गेम को भी खेल सको और उसी तरह से एंजॉय कर सको जिस तरह फ्री फायर खेल के एंजॉय करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी तरह का 10 गेम के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल बैटल रॉयल गेम जैसा है, आपको इसी तरह का बंदूक वगैरह हर कुछ देखने को मिलेगा और फ्री फायर जैसा ही गेम को एंजॉय कर सकोगे और उससे बेटर भी एंजॉय कर सकोगे। तो बिना किसी देरी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको टॉप 5 बेस्ट बैटल रॉयल गेम लाइक फ्री फायर के बारे में बताते हैं। नंबर 5 गाइस, नंबर 5 पे जो गेम आती है उसका आपको लॉबी आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग का जो लॉबी होता है गेम मेन्यू आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और वहाँ पे आपको देखो यहाँ पे जो डायमंड दिख रही है ना, यहाँ पर आपको पिंक डायमंड देखने को मिलेगा ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे गन स्किन भी आपको इतने सारे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे बंडल है और बिल्कुल फ्री फायर में जिस तरह से होते हैं वेक्टर वगैरह M10 वगैरह सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है ठीक है। और ये काफी इसमें बहुत ही सारे गन है, बहुत ही सारे बंडल रेयर भी है और उसका जो गाइस जब आप लैंडिंग करोगे मैप में तो वहां पे उसका जो लैंडिंग होता है कुछ इस तरह से होता है और उसका मैप भी आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से होती है। और इसका ग्राफिक्स गाइस बहुत ही अच्छा है ठीक है, फ्री फायर में जिस तरह से ग्राफिक्स है उससे भी अच्छा इसमें ग्राफिक्स माना जाता है ठीक है। इस तरह से गेम लैंडिंग होती है और इस तरह से आप खेल सकते हो। साथ ही साथ इसमें भी बहुत ही सारे व्हीकल्स होते हैं और इसका ग्राफिक्स देखो आप चारों ओर कितना ओपी है गाइस। और गाइस इसमें आपको अपग्रेडेड कटोलिस्टवा नजर आएगा जो अभी के समय में काफी अमीर हो गया, ये देखो ये है कटोलिस्टवा जो काफी अमीर हो गया है ठीक है गाइस। तो इस गेम को खेल के आप एंजॉय कर सकते हो। और बात करें इसका नाम का तो गाइस इस गेम का नाम है नाइव्स आउट। अब हम बात करते हैं अगले गेम के बारे में। तो गाइस नंबर 4 पे जो गेम आती है उस गेम का आप यहाँ पे लॉबी वगैरह देख सकते हो ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज का सेटिंग्स भी मिल जाएगा, ग्राफिक्स वगैरह हर चीज आपको मिल जाएगा जिस तरह से फ्री फायर में मिलता है। और आपको लॉबी इस तरह से नजर आएगा, जो गेम मेन्यू होता है उसका लॉबी आपको इस तरह से नजर आएगा। और जैसे ही आप मैप में जाओगे, जैसे ही आप गेम स्टार्ट करोगे, उससे 30 सेकंड पहले जो लॉबी देती है उसका लॉबी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है ठीक है। आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका गेम रहती है, उसका लॉबी कुछ इस तरह से रहती है। और बात करें अगर हम लैंडिंग की तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो फुल मैप में आपका लैंडिंग कुछ इस तरह से होगा जिस तरह से फ्री फायर में पहले हुआ करता था, न्यू गेम लॉन्च हुआ था उस वक्त हुआ करता था। और विमान शक्ति का टावर भी आप देख सकते हो ठीक है, बगल में था वो विमान शक्ति का टावर। और इस तरह करके आपका कैरेक्टर मूव करेगा, आप बंदे को मार सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी गेम है और इस गेम का नाम भी मैं बताने वाला हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कुछ ग्राफिक्स मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस ग्राफिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस गेम की ग्राफिक्स कितनी ओपी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक हेलीकॉप्टर भी दिया जाएगा जिससे आप पूरी मैप में हर एक प्लेसेस पे जाके घूम के पूरे गेम का मजा आप अच्छे से ले सकते हो और हर एक जगह पे आप आसानी से जा सकते हो इस हेलीकॉप्टर के मदद से। और यहाँ पर भी आपको कई सारे टावर नजर आ जाएंगे, ब्रिजेस भी नजर आ जाएंगे, रिवर्स वगैरह हर चीज आपको बहुत ही सारे नजर आ जाएंगे ठीक है, जिससे कि आपको गेम में रियलिटी जैसा महसूस हो ठीक है, जिस तरह से हर एक गेम में होती है उसी तरह से इस गेम में भी आपको नजर आएगा। और बात करेगा इस गेम का नाम का तो गाइस इस गेम का नाम है स्कारफॉल ठीक है। तो आप लोग इस गेम को भी इंजॉय कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको दिखा दिया कितना ओपी चीज है। नंबर 3 गाइस, नंबर 3 पे जो गेम आता है उसका नाम सुनने से पहले उसका आप लॉबी देख लो सबसे पहले कि उसका लॉबी किस तरह से लगती है ठीक है। तो इस तरह से आपको गेम लॉबी देखने को मिलेगा जो मेन्यू होती है। और जैसे आप गेम को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने से पहले जो 30 सेकंड का लॉबी देता है तो इसमें 70 सेकंड का लॉबी होता है, तो वो लॉबी आप यहाँ पे देख सकते हो इस गेम का ठीक है। और ये भी एक बैटल रॉयल गेम है जो कि आप ऑनलाइन खेल सकते हो दोस्तों के साथ। और जैसे उसका प्लेन में जाओगे ना, तो जैसे ही आप लैंडिंग करोगे तो उसका प्लेन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और लैंडिंग कुछ इस तरह से होती है ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप मैप देख सकते हो कितना हरा भरा मैप है। और ये रहा गाइस मार सिलेक्टिव, देखो हमारे जो फ्री फायर में मार सिलेक्टिव होती है ना बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है ये देखने में, उसी तरह का दो चिमनी, बस चिमनी यहाँ पे कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ अलग है लेकिन उसी तरह का मार सिलेक्टिव जैसा है। यहाँ पे कंटेनर वगैरह घर वगैरह है। और गाइस जैसे आप लैंडिंग करोगे तो वहां पे आपको बहुत ही सारे गन्स की लूट मिल जाएगी ठीक है, जिस तरह से फ्री फायर में मिलती है। और बात करें इसकी ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ओपी ग्राफिक्स है, घर वगैरह भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें इस गेम का नाम के बारे में तो गाइस इस गेम का नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल, जो आपको काफी ओपी
जाएगा खेलने में। नंबर टू पे जो गेम आती है उसमें आपको इस तरह का रिवार्ड मिलता है, ठीक है। उसका जो गेम मेन्यू रहता है लॉबी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, और ये आपको फ्री फायर 2017 की याद दिला देगी जब फ्री फायर सबसे पहले लॉन्च हुआ था। आपको उसी तरह का फील आएगा जब ये गेम आप खेलोगे। इसमें भी आपको बीमा शक्ति का ये वाला दो चिमनी देखने को मिल जाएगा जो बिल्कुल बीमा शक्ति जैसा ही है, जिस तरह से मार्स सेलेक्टिव में दो बिल्कुल आपको उसी तरह का चिमनी नजर आएगा। जैसे आप प्लेन पे रहोगे ना, यहाँ पे आप प्लेन पे देख सकते हो इसका जो प्लेन होती है कुछ इस तरह से होती है, और लैंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से लटका हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसमें भी आपको इस तरह का पैराशूट देखने को मिलेगा। और बात करें इसका ग्राफिक्स की, आप यहाँ पे देख सकते हो किल का जो होता है नोटिफिकेशन और ग्राफिक्स यहाँ पे आप शो हो रहा है, ठीक है। किस तरह से लगता है देखने में यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका पेड़ पौधे काफी मतलब उतना अच्छा नहीं बोल सकता, ये आपको 2017 की याद दिला देगी जब फ्री फायर पहली बार लॉन्च हुआ था तो कुछ इसी तरह से कैरेक्टर मूव करता था, इसी तरह से गोली चलता था, ठीक है। तो हो सकता है ये गेम आने वाले दिनों में ग्रो हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सारे ऑडियंस की जरूरत है, और इसमें भी आपको एक शील्ड नजर आएगा जो ग्लू वॉल की जैसा बिल्कुल लगता है देखने में, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा मैप है, और इसमें भी बहुत ही सारे प्लेसेस देखने को मिलेगा, हर जगह आपको लूट देखने को मिलेगा। बस घर वूर थोड़ा कम है, ठीक है, बस ज्यादातर आपको पहाड़ और पेड़ पौधे नजर आएंगे। तो इस तरह का ये गेम आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस गेम का नाम की, तो गाइस इस गेम का जो नाम है उसका नाम है बैटल रॉयल फायर प्राइम, ठीक है। तो इस गेम का भी ऑप्शन है आपके पास अगर फ्री फायर बैन हो गया है तो। गाइस इस लिस्ट पे जो सबसे पहले नंबर पे गेम आती है उसका नाम है होपलेस लैंड, ठीक है। और ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये आपको प्ले स्टोर में मिलेगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन आप क्रोम में एपीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको थोड़ी सी पबजी जैसा गेम लगेगी, ठीक है, लेकिन ये पबजी नहीं है। इसका नाम है होपलेस लैंड, जो कि आपको ओपी ग्राफिक्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक से एक गन मिलेगा, ठीक है। और इसका आप गेम मेन्यू देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग का लॉबी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप लैंडिंग करोगे आपका जो प्लेन है उसका प्लेन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, और लैंडिंग कुछ इस तरह से होती है होपलेस लैंड में, ठीक है गाइस। और ये एक दो साल पुराना गेम प्ले है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका लेटेस्ट गेम प्ले भी देख सकते हो यूट्यूब में सर्च करके। तो लैंडिंग कुछ इस तरह से होती है, और इसका ग्राफिक्स आप देख सकते हो कितना ओपी है गाइस, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है, ठीक है। थोड़ी सी ये पबजी जैसा लगती है उसी तरह से ये गेम है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। और हर गेम की तरह इसमें भी आपको काफी सारे मोड देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पबजी चला दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पबजी की झलक लगती है, लेकिन ये पबजी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ। आप इसका देख सकते हो यहाँ पर भी आपको व्हीकल्स वगैरह हर चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्राफिक्स आप देख सकते हो कितना ओपी ग्राफिक्स है, ठीक है। और ये गेम को आप इंजॉय कर सकते हो अगर फ्री फायर बैन नहीं हुआ तो। अगर बैन नहीं हुआ तो फ्री फायर ही खेलेंगे, अगर नहीं हुआ उसके बाद में ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि इतने सारे आपके पास ऑप्शन है जो गेम को इंजॉय कर सकते हो। बैटल रॉयल ही ये सब भी गेम है, ठीक है। तो इंजॉय कर सकते हो भले थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है गाइज। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने पबजी और सीओडी का नाम क्यों नहीं लिया, तो गाइज आप लोग वो गेम को जानते हो इसलिए मैंने उस गेम का नाम नहीं लिया। जो गेम को आप नहीं जानते हो मैक्सिमम उसी को मैं ट्राई किया हूँ कवर करने का, ठीक है। और इसका पार्ट टू भी आएगा, अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट टू लाए और 5 और गेम नए नए के बारे में बताए तो कमेंट में जरूर बताना। और गाइज सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, तो आप वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।